आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगलोर शीरा यानी केसरी बात, इसको बोलते हैं। कैसे बनाते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में जाने के बाद घुल जाता है, उस तरह आप लोगों को बताऊंगी मैं, बहुत ही मजेदार। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे, बराबर मेजरमेंट होना चाहिए, कप या कटोरे से भी मेजरमेंट ले सकते हो। एक कप सूजी है ये सेमोलिना, इस तरह सूजी है ये, एक कप ले लियो मैं, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हो। एक कप चीनी है ये, एक कप सूजी के लिए एक कप चीनी ले लियो मैं। थोड़े ड्राई फ्रूट्स, काजू है ये, कम या ज्यादा भी ले सकते हो, एक टेबलस्पून है ये। एक टीस्पून भर के किशमिश है ये, कम या ज्यादा भी ले सकते हो। आधा चम्मच इलायची पाउडर, घी, केसर के धागे को भिगा के रखी हूँ मैं गर्म पानी में, थोड़ा गर्म पानी डाल के भिगा हुआ केसर है ये। आप चाहे तो ऑरेंज या येलो फूड कलर भी ले सकते हो, ऑप्शनल है ये लेना बोल के जरूरी नहीं, ये डालने से बहुत मजे का बनता है। चलो स्टार्ट करेंगे। गैस में पतीला रख ली हूँ मैं, गरम हो चुका है, इसी में डाल देंगे आधा टीस्पून घी को डाल देंगे, काजू और किशमिश को रोस्ट करने के लिए। मेल्ट हो चुका है, इसी में डाल देंगे काजू, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे, हल्का गोल्डन होने तक इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। हल्का कलर चेंज हो चुका है, इसी में डाल देंगे किशमिश, इसको भी ज्यादा भूनने नहीं, थोड़ा फूलने तक भून लेंगे। इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लियो मैं, इसी में डाल देंगे दो टीस्पून भर के घी डाल देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, इसी में डाल देंगे सूजी सेमोलिना, इसको धीमा आंच रख के भुनना बहुत जरूरी है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। इसको अच्छे से हल्का खुशबू आने तक और फूलने तक भून लेंगे, जलाना नहीं, गैस का फ्लेम धीमा रख के। परफेक्ट आज आप लोगों को बताऊंगी मैं शीरा कैसे बनता है, इसी को फॉलो कीजिए, मैं बताऊ तरीके को। इसको इस तरह अच्छे से भून लेंगे, आप देख रहे हो घी दिख रहा है सूजी में से, इस तरह होना चाहिए, ऐसा करने से ड्राई ड्राई नहीं लगेगा, सॉफ्ट बनेगी, हल्की खुशबू आना स्टार्ट हो चुका है। 3-4 मिनट तक इसको ऐसे ही भून लेंगे। दूसरी तरफ एक पतीला रख लियो मैं, इसमें पानी ऐड कर लेंगे, जिस कप से सूजी ले ली हूं उसी कप से दो, एक कप सूजी के लिए 2 कप पानी ऐड कर लेंगे। 2 कप पानी डाल चुकी हूं मैं, गैस को ऑन कर लेंगे, इसको अच्छा खासा पकने के लिए छोड़ देंगे। इधर सूजी भून चुका है, खुशबू अच्छा खासा आने तक इसको अच्छे से भून ली हूं मैं, थोड़ा फूल गया है आप देख लीजिए, इसको निकाल लेंगे। पानी बॉइल हो गया है, गैस को कर देंगे बंद। सूजी में डाल देंगे जाफरान का कलर, इसी को अच्छे से मिक्स कर लियो मैं, जाफरान डालने के बाद इसी में डाल देंगे, गैस धीमा रख के मैं डाल रही हूँ, उबला हुआ पानी डाल देंगे, धीमा रख के डाल रही हूँ मैं, इसमें लंग्स वगैरह नहीं हो बनेगी, परफेक्ट बनेगी। इसको अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लियो मैं, इसमें घाट वगैरह नहीं होना चाहिए, लंग्स वगैरह। गर्म पानी डालना बहुत जरूरी है, ठंडा पानी डालने से इसमें गुठलियां बन जाएगी। इसी में डाल देंगे 1 कप शक्कर, चीनी को ऐड करी हूँ मैं, गैस का फ्लेम धीमा है, इसको अच्छे से मेल्ट होने तक, चीनी घुलने तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम धीमा है, अच्छे से शुगर भी मेल्ट हो चुका है, इसको कड़ी छोड़ने तक, पैन छोड़ने तक इसको अच्छे से चला लेंगे, अपने आप छूट जाएगा नीचे से, इस तरह अपने आप छूटेगा, तब तक इसको अच्छे से पका लेंगे। इसी स्टेज में डाल लेंगे ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया हुआ, काजू और किशमिश को, इलायची पाउडर आधा टीस्पून, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अभी डाल देंगे 2 टीस्पून घी, लास्ट में डालना, पहले ही डालेंगे तो सूजी अब्सॉर्ब कर लेगा, इसलिए अभी इसी स्टेज में डालेंगे तो सॉफ्ट बनेगी हमारा शीरा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टोटल 4.5 टीस्पून डाल चुकी हूँ मैं, 2 स्पून सूजी भुनने के लिए, 1/2 टीस्पून ड्राई फ्रूट्स भुनने के लिए और अभी 2 स्पून, टोटल 4.5 टीस्पून डाल चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स कर ली मैं, खुशबू अच्छे से आना स्टार्ट हो चुका है। इसको कुछ मिनट तक ढक के दम देंगे, गैस को कर देंगे बंद। देख लीजिए इस तरह कड़ी छूटना बहुत ज़रूरी है, परफेक्ट हो चुका है। आप देख लीजिए कितना सॉफ्ट है ये, खाने के बाद पता चल जाएगा आपको उतना सॉफ्ट। आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह बनाएंगे तो। इसको निकाल लेंगे एक बोल में, आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप इस तरह प्रेजेंट कीजिए। इसको इस तरह बिछा लीजिए, इस तरह बिछा ली हूँ मैं बोल के नीचे से बॉटम पे। इसी में इस शीरे को डाल देंगे, अच्छे से फिल करेंगे, इस तरह अच्छे से फिल कर ली हूँ मैं। इसको इस तरह लेवल करेंगे, इसको एक प्लेट से इस तरह पलटी कर लेंगे, इस तरह आहिस्ता इसको निकाल लीजिए। आपके मेहमान जो भी आपके घर में आएंगे ना, इस तरह प्रेजेंट करके आप दे सकते हो, बहुत दिखने भी मज़े का है, खाने भी उतना ही टेस्टी है। आप सूजी जो लेते हैं, आप कम या ज़्यादा पानी लगेगा, आपका सूजी थोड़ा मोटा हो तो 1/2 कप पानी ज़्यादा लगेगा, बारीक हो तो 2 कप, 1 कप सूजी के लिए 2 कप पानी लगेगा। कम घी में 4.5 टीस्पून यानी 4.5 टीस्पून घी में 1 कप सूजी का शीरा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार है, खुशबूदार है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, इसे ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। मेरे रेसिपी देखने वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।